नरेंद्र मोदी ही होंगे पीएम सर्वसम्मति से एनडीए की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया गया है। एनडीए की बैठक के बाद साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। राहुल गांधी छोड़ेंगे केरल की वायनाड सीट, रायबरेली से बनेंगे सांसद। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे साफ हो चुके हैं। नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एनडीए को बहुमत मिल गया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से ही संसद तक का सफर तय करेंगे। एनडीए के साथ चमकाएंगे राजनीति या देंगे इंडिया गुट का साथ, क्या है चंद्रशेखर आजाद का स्टैंड। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। यूपी की नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी और बीएसपी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भी सियासी शिकस्त दे दी। इस बीच चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने कहा कि अभी किसी भी गठबंधन को समर्थन नहीं दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में भी सभी 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है, मगर 13 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी का वोट बैंक घटा है। इन लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 सीटों पर चुनाव जीतकर जश्न में डूब गई है। पीएम मोदी ने महंगाई बेरोजगारी पर नहीं की बात, बीजेपी प्रत्याशी को हराने के बाद बोले नीरज मौर्य। आंवला में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के किले को ढहाने का काम किया है। यहां से 2019 में मेनका गांधी सांसद बनी, उनके बाद 2014 और 2019 में दोनों बार लगातार धर्मेंद्र कश्यप चुनाव जीते, लेकिन इस बार बीजेपी के इस किले को समाजवादी पार्टी ने ढहाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के नव निर्वाचित सांसद नीरज मौर्य ने बीजेपी के दो बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप को हराने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी यानी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इसी के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। हिरासत 19 जून तक बढ़ाई गई है। सीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। शरद पवार की स्ट्राइक, रीट के सामने अजीत पवार फेल, बिना घड़ी ऐसे बदल दी सियासी तस्वीर। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद महाराष्ट्र में भी जीत हार का आकलन किया जा रहा है। राज्य में इस बार महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी की अगुवाई विले महायुति को झटका देते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। अनुभवी राजनेता शरद पवार जमीनी स्तर पर एनसीपी यानी एसपी कार्यकर्ताओं का समर्थन बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। उनके नेतृत्व वाली एनसीपी ने प्रदेश में जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से 8 पर जीत हासिल की। शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और लालवानी ने दर्ज की बड़ी जीत, प्रदेश की इन 16 सीटों पर बढ़ा बीजेपी का जनाधार। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है। इस बार बीजेपी का कई सीटों पर वोट बैंक घटा है, तो दूसरी तरफ एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि बीजेपी का कई सीटों पर वोट बैंक बढ़ा है। मध्य प्रदेश 29 में से 16 लोकसभा सीटें ऐसी रही हैं जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक साल 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम मुकाबले और अधिक बढ़ गया है। इनमें कई लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को बदलकर दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाया था। किसी को मिले 6 लाख से ज्यादा वोट तो किसी ने दोहराई जीत। हिमाचल के विजेताओं की पूरी लिस्ट। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 4 जून को नतीजे घोषित किए गए, जिसमें कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस मंडी सीट नहीं बचा पाई जो कि उसने उपचुनाव में जीता था। यहां से पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह की बेटी विक्रमादित्य सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। बाकी 3 सीटों पर भी बीजेपी को ही जीत हासिल हुई है। वहीं हर सीट पर बसपा तीसरे स्थान पर रही, हालांकि उसकी प्रत्याशियों को बेहद कम सीटें मिली हैं। इस बार भी बनेगी एनडीए सरकार, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने खत्म किया सस्पेंस, सौंपा समर्थन पत्र। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बीच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।
सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बैठक में समर्थन पत्र सौंप दिया है। ऐसे में अब यह मुमकिन है कि एनडीए की बैठक के बाद तमाम नेता सरकार बनाने का दावा पेश करने जाएं।